अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कर लिया था, जिसपे हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अगर आप लोग किसी भी पार्ट का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम पार्ट 3 से अपना काम शुरू कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा काम होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि जिसमें हमने फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर्स किसके बनाने हैं इसका पार्ट 1 लिखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसके फॉर्मूले में। तो ये ए स्क्वायर, यानी कि अगर ये एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर। 9 के लिए हम 3 यूज करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जेड स्क्वायर और बाहर लगा देंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का स्क्वायर जेड की पावर 4 हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद होता है जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे इन टर्म्स की जगह पे ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स, और बी की वैल्यू है वाई, राइट। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई के पूरे टर्म हम ए ले लेंगे और 3z स्क्वायर हम बी ले लेंगे। तो इसको आप फैक्टर में ब्रेक करें, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 3z स्क्वायर में, और दूसरा फैक्टर बनेगा ए माइनस बी यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस का 3z स्क्वायर। तो ये दो फैक्टर्स में हमने ब्रेक कर दिया। पहला फैक्टर बना है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस 3z स्क्वायर, दूसरा बना है एक्स प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके इसका फाइनल रिजल्ट ले आए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ही हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है 4a² प्लस 8ab का होल स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4 माइनस 9c². अब इसको भी पहले हम फॉर्मूले में क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके फॉर्मूले में क्लोज करने के लिए 4a² है, तो हम लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और b की जगह पे लिखेंगे हम 2b² का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहाँ पे 2a है, b की वैल्यू 2b² है, तो 2 2 4, 4 2 8ab² उसका मतलब है ये टर्म हमारे पास कंप्लीटली बन रही है। और 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर ले लेंगे इस तरह से। तो अगेन इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके फॉर्मूला जब लगेगा तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू हम लेंगे 2a और बी की वैल्यू लेंगे 2b का होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये सारी टर्म्स क्लोज हो गई हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर में, और दूसरी टर्म है 3c का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ये पूरी टर्म को अगर हम ए कंसिडर करें और इस टर्म को हम बी कंसिडर करें तो ये इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब पहला फैक्टर ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये पूरी है यानी कि 2a प्लस 2b का स्क्वायर बीच में प्लस का साइन 3c, और दूसरा फैक्टर बनेगा 2a प्लस 2b का स्क्वायर बीच में माइनस का साइन फिर 3c। तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे, राइट। तो स्टूडेंट देखा आपने कि हमने दो फॉर्मूले की हेल्प से इसको फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, फैक्टर्स में इसको हमने ब्रेक कर दिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। और पार्ट 3 में जो हमारे पास गिवन है ये है 16, और साथ में है ए की पावर 4 माइनस
सी फोर माइनस टू सी स्क्वायर डी प्लस डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट पहला वाले में तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये 16 है, तो 4 का स्क्वायर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर का स्क्वायर इज ए 4 माइनस, अब इसको जरा देखिएगा, ये सी फोर है, ये सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये डी का स्क्वायर इस तरह से। अब ए की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर, बी की वैल्यू है डी, तो ये फॉर्मूले को हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बी के होल स्क्वायर में ये ब्रेक हो जाएगा, तो पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी, और दूसरी टर्म में ए की वैल्यू है सी स्क्वायर और बी की वैल्यू है डी, तो सी स्क्वायर माइनस डी और बाहर होल स्क्वायर लग जाएगा, तो दूसरा जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये पूरी टर्म को हम ए कंसिडर करेंगे और इस पूरी टर्म को हम बी कंसिडर करेंगे, और इसको कंसिडर करते हुए ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 4 ए स्क्वायर प्लस बी है सी स्क्वायर माइनस डी, ये पहला फैक्टर बन जाएगा, और दूसरा फैक्टर बनेगा 4 ए स्क्वायर और बीच में आएगा माइनस का साइन, और दूसरा फैक्टर है सी स्क्वायर माइनस डी, तो ये मेरे पास दूसरा फैक्टर बन जाएगा, तो इस तरह से इसका रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी और 4 ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी। तो इस तरह से हम इसका फाइनल रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि हमने दो फॉर्मूले यूज करते हुए अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, इसके फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4, और पार्ट 4 में जो हमारे पास है ये है 4 बाहर कॉमन लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 माइनस 9 वाई की पावर 6। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, 4 तो बाहर एज इट इज रहेगा और अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 9 है तो हम इसको लिखेंगे 3 वाई, अच्छा हमें बाहर स्क्वायर चाहिए, तो वाई की पावर यहाँ पे 3 होनी चाहिए क्योंकि 3 2 6 होता है, बाहर स्क्वायर इसलिए चाहिए क्योंकि हमने इसको फॉर्मूले में बंद करना होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा 4 और ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू वाई स्क्वायर, और दूसरी टर्म आ गई 3 वाई क्यूब का होल स्क्वायर। अब ये 4 को भी अगर हम इस तरह से ले लें, ये 2 में ब्रेक कर दें और बाहर सबके ऊपर स्क्वायर लगा दें, ये 2 के ऊपर स्क्वायर 4 हो जाएगा और एक्स प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर ये वाली टर्म बन जाएगी, और दूसरी टर्म है 3y3 के ऊपर स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इस पूरी टर्म को ए ले लेंगे इस टर्म को हम बी ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए क्या है हमारे पास 2x+y² ये ए की वैल्यू है, बीच में आएगा प्लस और बी क्या है 3y³, तो ये ए प्लस बी पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर 2x+y² बीच में आएगा माइनस का साइन फिर 3y³, तो ये दूसरा फैक्टर, तो इस तरह से मेरे पास उसके दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, ये भी पहला रिजल्ट आया इसका 2x+y² प्लस 3y³ और दूसरा फैक्टर बीच में माइनस है, तो ये मेरे पास इसके पार्ट 4 का रिजल्ट आ गया है, राइट? तो स्टूडेंट देखा हमने पहले इसको ब्रेक किया, इसके इसको क्लोज किया हमने इसके फॉर्मूले में जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने इसके फैक्टर्स में ब्रेक किया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 3।
और स्टूडेंट यहाँ पे एक्स के टर्म को हम अलग कर लेते हैं, वाई के टर्म को अलग कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है फिर माइनस 4x, ये एक्स के टर्म है, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये वाई के टर्म, और यहाँ पे +3 भी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मुझे ये पहले तो एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे पूरा करना है ना, पूरा करने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में हमने इसको बंद करना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए स्क्वायर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे 4x है, इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या चीज चाहिए, हमें यहाँ पे 2 और चाहिए, 2 और चाहिए ताकि ये 4x कन्वर्ट हो जाए। तो 4x को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे 2 चाहिए, राइट? और 2 जब हमें यहाँ पे चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो b का स्क्वायर होता है यहाँ पे भी हमें 2 चाहिए होगा, क्योंकि ये फॉर्मूले में कंप्लीट करना है हमने, जो तो फॉर्मूला हमने बनाना है वो बनाना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जो b यहाँ पे यूज होगा वो b का स्क्वायर यहाँ पे भी यूज होगा, तो इसका मतलब है कि ये तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 तो है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे 4 चाहिए। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 को हम ब्रेक कर देते हैं, मतलब 3 के साथ हम +1 करते हैं तो ये 4 बन जाएगा, और जब हम +1 खुद से कर रहे हैं तो हमें -1 भी करना पड़ेगा, राइट? तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म यहाँ पे हमने यूज कर ली जो कि 4 की टर्म थी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक वाई स्क्वायर बच गया है, एक -2y बच गया, और एक ये वाला -1 बच गया है हमारे पास। ये वाली टर्म तो कंप्लीट हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, कुछ 3 + 1 4, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो ये तो हो गया x+2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब इस टर्म का क्या करें, इस टर्म में से हम -y कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2y, और b की जगह पे आप 1 ले लें तो 2y ही रहेगा। अच्छा माइनस अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर ये सब टर्म प्लस में हो जाएंगे, ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये 1 यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में हमने इसको, या उसी तरह से अगर मैं इसको डिटेल में खोल के दिखाऊं जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, और b की जगह पे हम 1 ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो इसी तरह से पहली टर्म तो एज इट इज x+2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये वाई यहाँ पे ए की वैल्यू है +1, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x+2a माइनस y+1, तो ये पहला फैक्टर है, और दूसरे या प्लस पहले लिख लें माइनस पहले लिख लें से फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा फैक्टर बनेगा x+2 बीच में माइनस का साइन और y+1, तो ये मेरे पास दूसरा फैक्टर बनेगा। तो इस तरह से ये दो फैक्टर्स मेरे पास बन जाएंगे और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, x+2 बीच में है +y+1, और फिर ये x+2 बीच में -y+1। इसका part 6 हम करने जा रहे हैं, और ये है 4x² - y² - 2y - 1। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 4x² है तो ये तो ब्रेक हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अब माइनस हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा y² प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है तो अंदर सारी टर्म प्लस की हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये जो अंदर टर्म हमारे पास लिखी हुई है, अगर आप इसको गौर करें तो ये अगेन ब्रेक हो सकती है, मतलब ये y² + 2a, और b की वैल्यू अगर हम 1 ही रखें क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये अगेन हमारे पास फॉर्मूला बनेगा किसका, a² + 2ab + b² दैट इज इक्वल्स टू a+b का होल स्क्वायर। तो हम यही करते हैं, पहली टर्म को तो एज इट इज रखते हैं, ये स्क्वायर बाहर है,
पहली टर्म है 2x का होल स्क्वायर और दूसरी टर्म है ए की वैल्यू है y और b की वैल्यू है 1, y+1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन गया a²-b² = a-b (a+b) तो a की वैल्यू है 2x - b की वैल्यू है y+1, तो पहला फैक्टर ये बनेगा और दूसरा फैक्टर बनेगा a की वैल्यू है 2x, बीच में आएगा प्लस और y+1। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप प्लस का फैक्टर पहले लिख रहे हैं, माइनस का फैक्टर पहले लिख रहे हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो इस तरह से मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है 2x - y+1 और 2x+y+1, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ पार्ट 6। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 6 पार्ट्स थे और इसमें दो दो फॉर्मूला लग रहे थे, तो आपने देखा कि हमने किस तरह से इसको फैक्टर में ब्रेक किया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फैक्टराइज हमें करना है, इसका पार्ट 1 है √ab² -√c² तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा अगर हम ए ले लें, a² - b² दैट इज इक्वल्स टू a+b (a-b), ये दो फैक्टर्स में हमने इसे ब्रेक करना है। तो पहला फैक्टर भी क्या है, पहला ये पूरी टर्म अगर हम ए ले लें तो ये इक्वल हो जाएगा a+b यानी कि √ab और b की वैल्यू है √c। तो ये मत कीजिएगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दें, अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे फिर इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे हम। तो यहाँ पे इसको फैक्टर में ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा a+b, इस पूरे को हमने a ले लिया तो ये हो जाएगा √ab + b की वैल्यू क्या हो जाएगी √c। तो ये पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर बनेगा √ab - √c। तो इस तरह से हमने इसको a+b और a-b में इसके फैक्टर्स हमने बना लिए, तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट आपने फौरन देखते साथ स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं करना, हमें इस स्क्वायर की नीड है क्योंकि ये a² - b² का फॉर्मूला बना रहा है। नाउ सेकंड पार्ट हम इसका करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से √ गिवन है और ये साथ में 4x² - √ 9y² अब स्टूडेंट इसको भी हम उसी तरह से देखेंगे कि ये पूरी टर्म को हम ए ले लें तो ये बन जाएगा a² और इस पूरी टर्म को हम बी ले लेंगे a² - b² = again a+b (a-b). तो स्क्वायर से रूट यहाँ पे भी कैंसिल नहीं करेंगे आप और a की वैल्यू है √4x, तो √4x और b की वैल्यू है √9y। तो ये पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर बनेगा √4x, बीच में आएगा माइनस का साइन √9y। तो इस तरह से मेरे पास ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 3 है, इस पे ये है √yz² - 1/√yz² अब यहाँ पे भी हमारे पास ये पूरी टर्म को हम ए ले लेते हैं, ये अगर ए की टर्म है और ये पूरी टर्म बी की टर्म है तो ये फॉर्मूला जो बनेगा, वी नो दैट a² - b² दैट इज इक्वल्स टू a+b का फैक्टर और दूसरा फैक्टर होता है a-b का फैक्टर। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, a है √yz बीच में प्लस का साइन 1/√yz, ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर √yz बीच में माइनस का साइन 1/√yz। तो देखा हमने कितनी आसानी से इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, बस आपने गलती ये नहीं करनी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो ये हम फैक्टर में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 4, दैट इज लास्ट पार्ट, xzt - 1/t। अब इसमें ना तो स्क्वायर है ना ही √ है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना होगा कि आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाता है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर भी कर देना है, स्क्वायर भी कर देना है और साथ साथ एंड ऑल्सो टेक रूट, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका रूट ले लूँ
और बाहर स्क्वायर भी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके एग्जैक्ट टी ही बनना है। तो इसी तरह से 1/t का मैंने रूट भी ले लिया और साथ में बाहर स्क्वायर भी डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 1/t ही बनेगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो यही वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है ये वाली, ये पूरी ए की वैल्यू है और ये पूरी बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देंगे ए प्लस बी, ए क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स जेड टी, बीच में आएगा प्लस का साइन और टी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1/t। अंडर रूट 1 तो 1 ही रहता है तो हम 1/√t लिख देते हैं, ये पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर बनेगा अंडर रूट एक्स जेड टी, बीच में आएगा माइनस का साइन और 1/√t, ये मेरे पास बन गया दूसरा फैक्टर। तो स्टूडेंट देखा कि यहाँ पे मेरे पास ना तो स्क्वायर था ना ही रूट था, लेकिन हमने किस तरह से स्क्वायर और रूट लेके इसको उसके फैक्टर में ब्रेक कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन 8 भी कम्प्लीट हो गया, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 भी कम्प्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम 4.2 शुरू करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।